दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लिए पुलिस हो या सरकार कैसे भेदभाव करती है, उनसे कितनी नफरत करती है, कैसे उनकी नफरत बढ़ती जा रही है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा था कि कैसे एक लीची की तस्वीर पोस्ट करने पर एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वही एक एंकर सुरेश चौहान की एक तस्वीर शेयर करते हैं, उस पर किसी की भी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सुरेश चौहान के लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वो आपने भी कई बार देखा होगा। लेकिन जब मोहसिन अंसारी ने जब लीची की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की तो उन्हें पुलिस ने कहकर गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, जब सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के चीफ उन्होंने रोड ब्रेकर का तस्वीर शेयर कर लिखा, सावधान, कल कोई इस पर चादर न चढ़ा दे, अब तक उन्हें लेकर ना तो कोई मीडिया में खबर आई और साथ ही पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। सुरेश चौहान के इस ट्वीट की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हो रही है। सुरेश चौहान टैग करके लोग लिख रहे हैं, क्या अब इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं अब सवाल यह उठता है कि मोहसिन पर इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि वह मुसलमान था और सुरेश एक ऐसा पत्रकार है जो खुलेआम मुसलमानों के लिए जहर उगलता है, उस पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस की इस कार्रवाई को हम एक तरफा ना कहें तो और क्या कहें। मोहसिन अंसारी को सजा मिली क्योंकि वह एक मुसलमान था, लेकिन सुरेश को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मोहसिन ने लीची की आधी कटी हुई तस्वीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा था कि लीची के अंदर क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। बस इतना लिखना था कि यूपी पुलिस हरकत में आई और मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा विवाद दूरदर्शन समाचार चैनल के संपादक सुरेश चौहान की ने सड़क पर बने ब्रेकर की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि सावधान, कल कोई इस पर चादर न चढ़ा दे, इसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है? असर हुसैन ने इस पोस्ट को शेयर किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, लीची की तस्वीर पोस्ट करने वाले मोहसिन अंसारी को एक समुदाय की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं सुरेश द्वारा किए गए ट्वीट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा क्यों? लोग मुसलमानों के खिलाफ जहरीले और बेहुदा पोस्ट डाल रहे हैं, मुसलमानों की और मुसलमानों के मजहब की बेइज्जती कर रहे हैं, मजहब तक को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको पूरी छूट दी जाती है, बल्कि इस काम के लिए खुद बीजेपी के ने आईटी सेल बना के रखा है। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम समुदाय के लोग एक ट्वीट कर देते हैं या फिर एक पोस्ट कर देते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।